सूचना मिली कि कुछ अपराधी मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी आर्म्स की डील करने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ पटना की टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 500 राउंड गोलियां, इसके अलावा 18,000 रुपये कैश और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। जब बाद में इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो मुजफ्फरपुर में जो गोलियां आने वाली थी, आर्म्स की गोलियां जो आने वाली थी, इसको मोतिहारी और वैशाली के अपराधियों को सप्लाई किया जाना था। इस प्रकार एसटीएफ की टीम के सहयोग से ब्रह्मपुरा थाना को कुछ आर्म्स डील के कुछ अपराधियों को पकड़ने में एक अहम सफलता मिली है। मेन कौन है सर इसमें? इसमें जो भी अपराधी मेन है, वो अपराधी जब थे वो लोग पुजारी के वेश में यहाँ पर आए थे। इसके अलावा कुछ अपराधी जो कि मोतिहारी से आए थे, जिसको जिन लोगों को इन आर्म्स कार्टेजेस के को रिसीव करना था और आगे अन्य अपराधियों को भिजवाना था। इस प्रकार पुलिस को इनको अरेस्ट करने के पश्चात में आगे अन्य अपराधियों का सुराग मिलने में आम सफल। एक महिला भी इन्वॉल्व है इसमें? इसमें एक महिला भी इन्वॉल्व है जो कि इन कार्टेजेस को लेकर के जो हम लोगों ने शुरुआती पूछताछ की है उस आधार पर वेस्ट यूपी साइड से वो आ रही थी, जो कि जो महिला उसको यहाँ पर एक पुजारी को इन आर्म्स इन गोलियों को देना था और उसके बाद में आगे सप्लाई की जानी थी। इस प्रकार ये लोग अपने आप को एक पुजारी के वेश में और महिला के कंसील करके इस प्रकार से लोग इनका ये सिर्फ सप्लाई वगैरह ही करते थे या क्राइम में भी किसी तरह का ये किसी तरीके का अभी तक के हम लोग को इनके क्राइम का इन्वॉल्वमेंट का अभी तक के हम लोग को नहीं मिला है। लेकिन बेसिकली ये लोग एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म सप्लाई करने और कार्टेजेस के सप्लाई करने का एक बड़ा ग्रुप है, जिसको हम लोग को अरेस्ट करने में एसटीएफ पटना के सहयोग से सफलता मिली है।